हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब मस्त और स्वस्थ हो गए। हम भी किसी तरह जी रहे हैं आप सभी के दुआ से। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त आया हुआ है जो मेरे साथ पहले कभी काम करता था, उसके पास जाएंगे। नया बहू भी लेके लाया है, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। फिर शायद थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी देगा, तो कुछ कुछ काम और भी करना है। तो आज का वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलाते हैं पहले हम अपने छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों से। तो ठीक है, बने रहिए। ये देखिए, भाग रहा है इधर से उधर, और वहाँ पे सबके सब म्याओं म्याओं कर रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर आज सुबह से ही चल रहा है। और इधर अपना सुना भाई, ज्यादा आवाज कर रहा है हेलीकॉप्टर। और देख सकते हैं ट्रेनिंग चल रहा है। ये देखिए, आ गई माँ। ओ बिल्ली मौसी, ले आ। और इसके बच्चे वहां खेल रहे हैं। ले आ आ, ले जल्दी। आज हम भी बाहर में हैं तो ये लोग भी बाहर आ गए। देख सकते हैं एक एक करके आ रहे हैं। और एक पता नहीं किधर रह गया, वो देखिए वो भी दौड़ के आ गया। उनु, उनु, उनु। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे, जस्ट खाना खाने शुरू किया है। अब जिसको चाहिए होगा वो आकर के ले जाएगा। अपना दूसरा दोस्त भी आ गया और बिल्ली भी साथ में लेके आया। बोले तो हम ही लोग का बिल्ली है, लेकिन उसको देख कर क्या है, हमेशा साथ में आता है ना। ला फिर से लाया इसको, ले गया था किसको? हाँ, यही वाला को ले गया था। क्यों? हाँ, इसी को। अपने गाड़ी में हो गए हैं सवार। अब चलते हैं, पहले भाई से मिलते हैं, बहुरानी से मिलते हैं, और कुछ बहुत माल पानी देंगे बोला है, लेते हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा? दोस्त के यहाँ तो आ गए हैं, अब देखते हैं क्या करता है। कहाँ पे? घरे में रहोगे, नहीं निकलोगे? घरे में रहता है। का सब करते रहता है? तो यही है हम लोग का लग रहा है भाई, जो साथ में काम करता था। कहाँ पे? तेरा पीठ दिखाओ तो। उठा ना, उठाओ, सामने आएगा तब ना। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये 11,000 वोल्टेज का मार है। और ऊपर भी जुन था वे? नहीं, नहीं। आगे तरफ है? नहीं, सब पूरा जला जला जो है, सब 11,000 वोल्टेज का मार है, लेकिन आदमी पूरा ठीक ठाक है। तब हम लोग का बहू को नहीं दिखाओगे? अच्छा अच्छा, बर्तन धो रही है जो है, हम वही सोच रहे हैं कहीं वही तो नहीं है बोल करके। लेकिन तो दोस्तों, हम लोग की नई बहू जो है वो बर्तन धो रही है, तो ठीक है आने दे लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारी नई बहू, जिसको कि अपना भाई लेके लाया है। काफ़ी गोरी नारी है, देख सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा है। तब राहुल मैडम तो पूरा झकास वाला लेके लाया है, देखा ना? लेकिन वही है, एक के साथ एक फ्री मिला है, फ्री वाला को घुमा रहा है साथ में। खैर, आप लोग बताइए कि आप लोगों को हम लोग का बहुरानी कैसा लगी? अपने तो हम लोग का जैसे सांवला है, लेकिन बहुरानी है थोड़ा सा गोरी। वैसे ठीक है, किसी तरह घर परिवार अब चलना चाहिए, सभी को ज़रूरत होता है एक साथी का, तो साथी अब मिल ही गया है, तो अच्छा तरह से जीवन बिताएगा ये लोग अपना। वो लोग का लाइफ है, वो लोग समझेगा।
तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं किधरों, तो साइड उधर जंगल साइड में, और एक मिठाई मिली बोल रहा है भाई, तो देखते हैं अगर मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को भी। अब इमली बोलने से मेरा मुंह में पानी भी आ गया, बहुत मज़ा आता है इमली खाने, तो आप सब हमको दिखाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो अपना भाई जो है परदेसी कमाई करके, देख सकते हैं दिया है, एकदम कड़कड़ नोट है पूरा, तब इससे करते हैं खर्चा पानी, एंजॉय करते हैं। एंजॉय तो क्या करेंगे कि इसको आज डलवा देते हैं, क्या बे? हाँ ऐसे ही बांटते रहो, है कि नहीं दोस्तों? तो ठीक है, रहते हैं थोड़ा देर भाई के साथ, बात बात करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। बड़ी दुख की खबर है दोस्तों, बैठे हुए थे ऐसे ही, टाइम पास कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो अचानक खबर आया कि मेरा एक, मतलब कि क्या बोलेंगे, हम लोग से ज़्यादा ही बुज़ुर्ग, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज बात करेंगे और कल को वो चला जाएगा, थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट हो गया, और वो रेस्ट इन पीस हो गए हैं, तो उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं, RIP लिख दीजिएगा। और दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दुख तो होता है, कहे कि कोई खास अपना चला जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, और रही बात अपना खास तो ऐसा नहीं था, फिर भी किसी का तो खास था होगा, पर दुखी जताना तो बनता है, क्योंकि दो रोज़ पहले ही कितना प्रेम से बात किए थे उनसे, हंसे और बात किए, तो चलिए कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल के लिए स्कूल, मतलब सरकारी स्कूल, वहाँ पे दोस्त बोल रहा है कि कुछ काम है, तो पहले वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं किधर जाते हैं, आप सबको दिखाते रहेंगे, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले बचपन के स्कूल में, ये सरकारी स्कूल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करना है, पर दोस्त बोल रहा है कि थोड़ा सा तो रुक जाओ, देख लेते हैं सिचुएशन, उसके बाद बात करते हैं। तो ये रहा, देख सकते हैं साथ में जिम भी है, और ये तो बहुत पुराना वाला है जो खपरा वाला है, और उस साइड वो दोनों नया ब्लॉक है, और इस तरफ शौचालय है जो शायद कोबरा तरफ से दिया गया था, और उधर एक अपना चाचू जो है जा रहे हैं। तो ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, एक सचे, ये दो सचे देखा, और ये तीन को गार्ड आकर के बैठ गया है, देखा तीन, कि कोई छू छा ना दे मालिक को। और अभी चलने वाले हैं प्रिंसिपल का ऑफिस, क्योंकि थोड़ा सा बात करना है, तो चलते हैं पहले। दोस्तों स्कूल के अंदर से निकल गए और घर जाने, और प्रिंसिपल जी से भी बात हो गया, अपना गुड़िया सर ही थे जाने वाले सब, उनसे बात हो गई और सारा चीज़ क्लियर हो गया। साथ में कुछ बताना भी था उनको कि स्कूल का बिल जो है ज़्यादा भाग रहा है, हम तो खैर बिजली विभाग से, मतलब अभी तो नहीं पहले, तो वही मेरे पास आया था लिस्ट, तो बता दिए उनको। और अभी फ़िलहाल जो सवेरे आप लोगों को मतलब बताए थे कि एक अपना था जिससे दो दिन पहले बात किए थे और रेस्ट इन पीस हो गए हैं, तो उनको मिट्टी देने जाएंगे, तो अभी जस्ट लेकर के गए उनको, उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके गया, ले जाया गया था, तो उधर वो चले गए, तो अभी हम लोग चलते हैं। चॉकलेट डे में तो चॉकलेट तो खाए नहीं, आज चॉकलेट लिए हैं, वो भी मिल्क डे, चॉकलेट डे नहीं मिल्क डे, दूध डे लिए हैं। और बेचारा मेरा एक ठू है वफादार, हाँ ले आजा आजा आजा, ले 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 आजा, देख सकते हैं कहाँ कूद चढ़ रहा है एकदम बेमतलब का, उतना खिलाया नहीं मन भरा, इसको बिस्किट खिलाए और तो क्या बोलते हैं पहले, अब मैं भी और
मैं निकला रहा हूँ भेजे के लिए। क्या, क्या था रे नारी, बस भी करो। नारियल का लड्डू खिलाया है लेकिन भी इसका मन नहीं भरा, अभी भी चॉकलेट देखते हैं खाता है कि नहीं खिला करके। कभी खाते नहीं है चॉकलेट, वैसे ट्राई करते हैं खाएगा कि नहीं। ले चॉकलेट डे मना ले, आज फेंकना नहीं है। खा गया साला कमीना। देखो तो रे, देखो तो कौन आया है। हाँ इधर इधर। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं खेत के साइड में, मतलब जंगल के साइड में। देख सकते हैं पीछे जंगल झाड़ दिख रहा है। और ये पबजी वाला चक्कर में साला मेरा मोबाइल इतना देर में दिया। और ये रहा दोस्तों, ये बैर है, काफ़ी बड़ा बड़ा और एकदम लाल तो नहीं कहेंगे लेकिन पक चुका है। पता नहीं स्वाद में कैसा लगेगा। पहले ये वाला बैर जो है ना बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा बड़ा हम खुद अपना आँख से देखें। और ये रहा वो वाला पेड़ इस साइड में, धूप की वजह से अगर शायद नहीं दिख रहा होगा। तो उस समय भी पेड़ लगभग शायद थोड़ा सा छोटा था लेकिन अभी काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इसका फल जो है थोड़ा सा छोटा होने लगा है, नहीं तो पहले इतना बड़ा बड़ा होता था। और यहाँ आसपास जितना भी है ना, ये देख रहे हैं जमीन, इस जमीन में पूरा गेहूं का खेती हुआ करता था और हम लोग चिड़िया मारने के लिए आते थे। ऐसे तो यहाँ से जस्ट कुछ ही दूर में एक इमली का पेड़ है, मेरे दादू लगेंगे उनका बगान है और वहाँ पे मीठा वाला इमली होता है, तो इमली को खास कर खाने के लिए आए थे। तो अभी ये दोनों भाई जाएंगे लाने के लिए। अभी फिलहाल हम तो साला मेरे लिए लाया था बैर पे, तुम तो सबको पेल दिया है। मिर्चा भी खा ले रहा है तो हम क्या खाएंगे। चीता नहीं है, चीता नहीं है बोल के सबको खाएगा तो हम क्या खाएंगे। लगभग ठीक ही है। और अभी ऐसे शायद इसी महीना बस रहेगा, उसके बाद तो सूखा हुआ वाला ही खाने को मिलेगा। तो आप अगर कोई आना चाहते हैं मेरा गांव तो ज़रूर से इंस्टाग्राम में फॉलो करके आ जाइएगा, तो बैर खिलाने के लिए लेके आएंगे। और फिलहाल इन लोग को भेजते हैं इमली लाने के लिए, आपको इमली भी दिखाते हैं, मीठा वाला इमली। वो बस कच्चा में खट्टा लगता है और जब पक जाता है तो मीठा लगता है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज है, ये तो नॉर्मल साइज हो गया, इससे भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता था। तो ठीक है दोस्तों अभी लोगों को भेजते हैं इमली लाने के लिए, तब तक इसको खाते हैं और मज़ा लेते हैं। और जो बहुत पहले हम लोग ये आसपास अपना ही खेत और ज़मीन है, यहाँ पे कुआं भी है, उस कुआं में हम लोग नहाने के लिए आते थे। और मेरे जस्ट आगे ही बैल चराया जा रहा है, मतलब हम ही लोग का गांव का, मतलब हम ही लोग का टोली का बैल लोगों को चराया जा रहा है, उसमें अपना भी बैल शामिल है। पहले यहाँ पे करते हैं इसका सेवन, उसके बाद फिर चलते हैं घर की तरफ। वो रहा दोस्तों सामने ये वाला जो देख रहे हैं, इधर गया, इधर 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 इधर, हाँ ये वाला इमली का पेड़ है और वहीं से ले करके लाया है, देख सकते हैं इतना इतना इमली और सारे के सारे मीठे हैं, पक चुका है। और हल्का जो उधर पक्का वाला वाला और भी अच्छा लगता है। ऐसे एक पीस खा करके देखे बहुत ही मज़ा आया, एक भी खट्टा नहीं है, पूरा मीठा मीठा। कहाँ वो और रखो दोस्तों, ये वाला उधर पक्का वाला खत्म किया, खत्म ये वाला है दर पक्का वाला। एक साइड पक्का हुआ है और एक साइड थोड़ा सा कच्चा है, देख सकते हैं दोस्तों। ले ले बहुत ही मजा आता है। अभी खाइए इमली को, हम लोग को नहीं। आइए और आप लोग भी खाइए, हम लोग को नहीं इमली को। बहुत मजा, एकदम मजा, भारी वाला।
और इमली तो मेरा फेवरेट है। वैसे बताइए किसका किसका मुंह में पानी आया इमली देख के? देखो तो क्या लाया है रे चड्डा बाबा। ऐसा नहीं बोलिए, गाँव में उठ के आ गया, होल खत्म कर दो। तो खत्म कर, हमको क्या दिक्कत है, मेरा थोड़ी है। वैसे सबका हक है रे भाई, हाँ लेकिन जिसका एक्चुअल में जिसका खेत है उसका है। और थोड़ा सा पकने दीजिए ना, सब कुछ झाड़ झुड़ा। तो उस समय था भी नहीं जिस समय हम लोग आते थे खाने। नमक भी नहीं लटक रहा, तो ये नमक के साथ खट्टा लगने से पूरा एकदम चेहरा बन जाता, लेकिन मीठा इसलिए अच्छा लग रहा। और साथ में ये नमक के साथ मिर्चा। मिर्चा बड़ा जबरदस्त था। खैर अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर, काफी खाना पीना हो गया। वैसे तुम खाया कि नहीं रे? कहाँ खाया? उधर। तेरा पबजी वाला चक्कर में तो हमारा सूट भी नहीं कंप्लीट करो। तुम रे खाया? ये वाला? ये तो खा रहे। वही वाला खा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये ज्यादा तो नहीं है, 1 2 3 ये बड़े बड़े 3 है और छोटे छोटे 2 जैसे हैं। और तुरंत ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मीठा है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बेचारा कुत्ता अपना बेस्ट फेलो छोड़ ही नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि आज चॉकलेट डे तो नहीं है, चॉकलेट भी खिलाए, नारियल डे भी नहीं था, नारियल खिलाए। हम अपना स्कूल भी ढूका है, पढ़ के निकल गया। अरे वाह कितना बढ़िया डॉग है, स्कूल में पढ़ के भी निकल गया, साथ में गया था, घुसा और निकल गया। तो वैसे चलिए दोस्तों फिर ठीक है, इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना ही शेयर करने के लिए है। तो ठीक है अब डायरेक्ट मिलेंगे थर्सडे के दिन, यानी थर्सडे वाला वीडियो आएगा नेक्स्ट डे, मतलब पिकनिक अगर हो सके जाएंगे तो। आज से चंदा स्टार्ट होगा, यानी आज हो गया मंडे ना, आज हो गया मंडे, कल ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी 2 रोज। हाँ तो वही ना, सोमवार फिर कल मंगल बुध बिफे, बिफे को कहाँ जा रहे पिकनिक? कहाँ? जंगल में बर्थडे पार्टी मनाएंगे हम लोग, संगम जा रहे शुक्रवार को। हाँ तो उससे हम लोग इधर ही रहेंगे, तो उस दिन मिलते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय सब हमको, बाय 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 कर दे बाय। अरे बाय 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 बाय। और तुम नहीं करेगा बाय बाय? हाँ वो भी बाय बाय कर रहा, देखिए कैसा बाय बाय कर रहा है, बाय बाय।